हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिकू एडिटोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सार्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। देन आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको पहले ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। ठीक है, इस फोटो को ऐड कर लिया हूँ मैं। देन आपको सिंपली इस फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना है। इसके लिए कटआउट पे क्लिक करके आउटलाइन पे क्लिक करना है। देन आपको पर्सन के आउटर पोर्शन में ऐसे लाइन लगाना है। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको इस फोटो को इस जगह पर रखना है, अच्छे से एडजस्ट करके, थोड़ा जूम करके। ठीक है, इस जगह पर रखना है आपको फोटो को, मिडिल पोर्शन में। देन आपको कर देना है डन। उसके बाद आपको नीचे जाना है, फिर से आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको एक PNG को ऐड करना है। इस PNG का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड करने के बाद आपको सिंपली ऐसे थोड़ा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको इस PNG को हाथ की इस पोर्शन में रखना है, अच्छे से एडजस्ट करके आपको इस पोर्शन में रखना है इस PNG को। ठीक है, अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इरेज के ऊपर क्लिक करके इरेज पे क्लिक करना है। देन इस पोर्शन को इरेज करना है। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है, फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद इस PNG को ऐड करना है। देन आपको क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पोर्शन को क्रॉप करके इसको सिलेक्ट करना है। देन आपको सिंपली थोड़ा छोटा करके इस जगह पर इस PNG को रखना है, लेफ्ट कॉर्नर में नीचे आपको इस जगह पर रखना है। ठीक है, देन आपको सिंपली इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, इरेज के ऊपर। देन डुप्लीकेट पे क्लिक करके आपको इस PNG को राइट कॉर्नर में इस जगह पर रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। ठीक है, डन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जाना है, फिर से आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके एक PNG को ऐड करना है। इस PNG का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपको सिंपली लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर में रख के आपको थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, देन आपको सिंपली इरेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इरेज पे क्लिक करके इस पोर्शन को इरेज करना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको एडजस्ट पे क्लिक करके आपको थर्ड वाला ऑप्शन क्लैरिटी पे क्लिक करना है। देन आपको सिंपली क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करना है। ठीक है, क्लैरिटी को इंक्रीज करने के बाद आपको कर देना है डन। तो ये हो गया है, अब देख सकते हो दिवाली का फोटो एडिटिंग।